नमस्कार दोस्तों, किसी भी डेयरी फार्म में प्रेग्नेंट पशुधन के लिए, गाभिन गायों या भैंसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय बच्चा देने के 21 दिन पहले का और बच्चा देने के 7 दिन बाद का समय होता है। इस समय को टेक्निकल टर्म में ट्रांजिशन टाइम या ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ये जो ट्रांजिशन टाइम है, यही तय करने वाला है आपकी गाय या भैंस के आने वाली ब्याह में उत्पादन क्षमता कितनी रहने वाली है, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल कैसे रहने वाली है, साथों साथ रोग से लड़ने की क्षमता उसमें कितने रहने वाली है। तो इस महत्वपूर्ण समय पे आपके पशुधन को विशेष तरह के कॉन्सेंट्रेटेड फीड की ज़रूरत होगी, जो हम अपने घर पे कैसे बनाएंगे उसका पूरा फॉर्मूला, साथ में चारे में ऐसे कौन से बदलाव करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और आपको पक्का इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन टाइम। ट्रांजिशन टाइम पशुधन के बच्चा देने के 21 दिन पहले का समय और बच्चा देने के 7 दिन बाद का समय, ये जो लगभग एक महीने का टाइम पीरियड है, इसको ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। इस समय आपके पशुधन का दाना चारा ऐसा होना चाहिए जो कि उच्च ऊर्जा से युक्त हो, दूसरा उसमें अधिक प्रोटीन हो, दुधारू गायों से भी ज़्यादा प्रोटीन हो, तीसरा सुपाच्य हो, बहुत आसानी से पच जाने वाला हो, और रुचिकर हो, जो आसानी से खाने लायक हो, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी डीकैट वैल्यू। ये डीकैट वैल्यू क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण उस दाने चारे की डीकैट वैल्यू जो हो वो मिनिमम हो या नेगेटिव में हो। अब यहाँ एक विशेष समझने वाली बात, जो साधारण दुधारू गायों का जो दाना चारा होता है उसकी डीकैट वैल्यू प्लस में, हमेशा प्लस में ही होती है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है। परंतु यही प्लस डीकैट वैल्यू वाला अगर दाना चारा आपने अपनी गर्भवती और प्रेग्नेंट गायों को दिया, तो उसमें हाइपोकैल्शियमिया, मिल्क फीवर होने के चांसेस जो है आपके पशुधन में बढ़ जाते हैं। जो मिल्क फीवर होता है उसे गेटवे ऑफ डिसीज़ कहा जाता है, मतलब बीमारियों का द्वार। बीमारियां जैसे कि मैस्टाइटिस, कीटोसिस, लेमनेस, जेड गिरना, फूल दिखाना, बच्चा फंसना, अबोमिसम का विस्थापन और रोग प्रतिरोधकता बिल्कुल कम हो जाना, ये सारी परेशानियाँ अधिक डीकैट प्लस डीकैट वैल्यू वाले दाना चारा खिलाने से होती है। एक रिसर्च के अनुसार एक डेयरी फार्म पे जब प्लस डीकैट वैल्यू वाला दाना चारा अपनी गर्भवती प्रेग्नेंट गायों को खिलाया जा रहा था, तो वहाँ पर मिल्क फीवर 63% रजिस्टर्ड किया गया। वहीं पर जब माइनस डीकैट वैल्यू वाला दाना चारा अपने उन प्रेग्नेंट गायों को जब उन्होंने खिलाया, तो वो 63% से घटकर ओनली 11%, मतलब 11% पे आ गया था। ये इफेक्ट होता है डीकैट का। अब मिनिमम डीकैट वैल्यू हमारे कॉन्सेंट्रेटेड फीड जो हम घर पे बना रहे हैं उसमें कैसे मेंटेन करना है, ये बताने के पहले थोड़ा सा मैं जानकारी देना और चाहूँगा कि डीकैट वैल्यू कैसे काम करती है हमारे गाय के शरीर के ऊपर। डीकैट, इसका फुल फॉर्म है डायट्रिक कैटायन एनायन डिफरेंस। इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाना है आपको, बस इतना देखना है कि प्रेग्नेंट गायों को ये माइनस में या जीरो के आसपास में रखना है हमको। ऐसा क्यों करना है, इसके पीछे का कारण ये है कि गाय के शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन नॉर्मली सुसुप्त अवस्था, सोए अवस्था में रहता है, परंतु जैसे ही माइनस डीकैट या जीरो डीकैट वैल्यू का फीड खिलाते अपनी गाय को, तब ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होने के बाद में गाय की हड्डियों पर जाकर स्टिमुलेट होता है, मतलब वो काम करना शुरू करता है। जैसे ही वो उसके ऊपर काम करना शुरू करता है तो वहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है। जब वो कैल्शियम रिलीज होता है तो वो खून में जाके मिलता है, और ये खून में जो कैल्शियम मिला है ये गाय को उसकी पूरी तरह से जितनी कैल्शियम की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। इस तरह से गाय हाइपोकैल्शियमिया, मिल्क फीवर जैसी चीज़ों में जाने से बच जाती है और मिल्क फीवर के चांसेस लगभग पूरे ख़त्म हो जाते हैं। साधारण शब्दों में, डीकैट माइनस में गया तो PTH पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट हुआ, जिससे कि कैल्शियम शरीर में आया और हाइपोकैल्शियमिया से गाय को हमने बचा लिया। तो पशुधन के लिए मिनिमम डीकैट या माइनस डीकैट वैल्यू मेंटेन करने के 3 स्टेप हैं। पहला, ऐसा कंसंट्रेटेड फीड यूज़ किया जाए जिसकी डीकैट वैल्यू मिनिमम हो या माइनस में हो। तो ये रहा आप लोगों के सामने फॉर्मूला कैसे हम लोग मिनिमम डीकैट वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं फीड के द्वारा अपने घर पे। इस तरह का फीड फॉर्मूला का यूज़ आप केवल और केवल गाय के जनने के पहले आप उपयोग करेंगे ट्रांजिशन टाइम में। यहाँ 100 किलो के दाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, जहाँ मक्का 30% 30 kg, इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेना, अधिक मात्रा से इसमें एसिडोसिस होता है इसीलिए 30%। दूसरा चोकर, वीट ब्रांड बोलते हैं जिसे, ये 16%, सुपाच्य होता है और प्रोटीन युक्त होता है, साथ में फाइबर भी इसमें अधिक होता है। तीसरा मूंग दाल की चूरी या छिलका, याद रखिएगा सिर्फ मूंग दाल की चूरी या छिलका ही यूज़ करना है आपको, ये 17% सुपाच्य होता है
और उच्च प्रोटीन युक्त होता है। चौथा, कपास की खल। कपास की खल कॉटन सीड केक जिसे कहते हैं, ये 16% लेना है आपको, 16%, और ये उच्च प्रोटीन वाला होता है जिसमें RDP रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है सरसों खल। सरसों खल को आपको लेना 10%, ये उच्च प्रोटीन युक्त और इसमें जो प्रोटीन होता है वो RUP रूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन होता है, और तो और इसकी डिकेड वैल्यू भी नेगेटिव में होती है। नेक्स्ट, बाईपास फैट 1%। फैट की ज़रूरत ऊर्जा के स्रोत के लिए हम लोग ऐसे इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यीस्ट जो है 0.25%, मतलब 250 ग्राम। ये मृत बैक्टीरिया की वृद्धि में मदद करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट, हल्दी टर्मरिक 0.5%, आधा किलो। रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला, मिनरल मिक्सचर 1%, ये तो आवश्यक है ही, हमेशा ही आपको इसको यूज़ करना है फीड के अंदर। देन टॉक्सिन बाइंडर 0.25%, 100 किलो में 250 ग्राम। ये जो भोजन के अंदर विषाक्तता होती है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जहरीलापन जो होता है पुराना हो जाने के कारण, वो उसको ख़त्म करता है। और लास्ट में सोया डीओसी या सोयाबीन सीड्स जो है वो भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं 8%, जो कि उच्च वसा युक्त होते हैं और साथ में रूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन इसके अंदर भरपूर होता है। तो इस तरह का फीड आप अपने घर पे बनाकर डिकेड वैल्यू जो नॉर्मली चल रही है उसको आप बहुत कम कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव तो नहीं होगी बट इसको आप मिनिमम पे ला सकते हैं। स्टेप 2, हमें अपनी गायों को पशुधन को हरा चारा देना लास्ट के 21 दिनों में बंद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि जो हरा चारा होता है उसमें पोटेशियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और जो पोटेशियम है वो डिकेड वैल्यू को बहुत ज़्यादा प्लस में लेके जाता है। ये बंद करने के बाद में आपको इसका रिप्लेसमेंट साइलेज यूज़ करना है। साइलेज जो है सुपाच्य होता है और उसकी डिकेड वैल्यू बहुत कम होती है हरे चारे के कंपैरिजन में। और फाइनली स्टेप 3, इसमें आपको मार्केट से सप्लीमेंट परचेस करने पड़ेंगे जिसमें ऑनिक सॉल्ट हो, जिसकी डिकेड वैल्यू हो। ये आप सामने फोटो देख रहे हैं, इस तरह का आप 1 kg का पैक में आता है ये, और ये आप यूज़ करेंगे पर डे। आप अपने पशुधन को 100 ग्राम के आसपास देंगे तो 100 ग्राम देने से इसकी जो कॉन्सेंट्रेटेड फीड से हमने मिनिमम डिकेड वैल्यू लाई थी वो नेगेटिव में चली जाएगी। नेगेटिव डिकेड वैल्यू वाले मार्केट में कुछ ट्रांजिशन फीड्स आते हैं, अच्छी कंपनियां बनाती है, आप चाहे तो उनको भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु उनकी सत्यता और उनकी गुणवत्ता के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो सभी पशुपालक भाइयों से बस मेरा इतना निवेदन है कि ट्रांजिशन टाइम में बच्चा देने के 21 दिन पहले नेगेटिव डिकेड वैल्यू वाला भोजन, दुधारू गायों वाला नहीं, नेगेटिव डिकेड वैल्यू वाला भोजन आप अपने पशुधन को दें, ताकि आप अपने आप को स्वयं को आर्थिक नुकसान से बचा सके और आप अपने पशुधन को शारीरिक नुकसान से बचा सके। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो जानकारी वर्मा डेयरी फार्म जिला बैतूल मध्य प्रदेश की तरफ से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत थी।